कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीज़न ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जो जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए, तो इसलिए उसका निर्णय ये ठीक अच्छा निर्णय ये हो गया है कि कल 3 तारीख को और इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। सर, करनाल में जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीज़न ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जो जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए, तो इसलिए उसका निर्णय ये ठीक अच्छा निर्णय ये हो गया है कि कल 3 तारीख को और इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। सर, करनाल में कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी।